हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। हाँ तो दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मालूम करें कि Naukri.com पे जो जॉब आ रहा है वो कॉरपोरेट जॉब है, कंसल्टेंसी जॉब है, या प्राइवेट जॉब है, कैसा जॉब है, कंपनी टाइप्स का जॉब है या कंपनी का पर्सनल जॉब है जो HR पोस्ट कर रहा है या किसी कंसल्टेंसी पोस्ट कर रहा है। देखिए दोस्तों, आज के डेट में जॉब के लिए ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। फ्रॉड मीन्स क्या है कि कंसल्टेंसी अपना नाम बदल बदल कर कंसल्टेंसी अपना खुद कंपनी का नाम रख लेता है। जैसे कि कंसल्टेंसी अपना ऐसा नाम रखता है कि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं तो कंपनी ही है और कॉल कर देता है इंटरव्यू के लिए, जॉब पोस्ट कर देता है, लड़के अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल करता है और पैसे का डिमांड कर देता है, बोलता है कि मैं कंपनी का हूँ, ये वो दिस दैट बोलता है। देखिए दोस्तों, लड़के बहुत सारे परेशान हैं, लड़के को खुद समझ नहीं पाते। ये क्या है कि ये बात बहुत एक्सपीरियंस वाले भी नहीं समझ पाते, ऐसा चुतिया कंसल्टेंसी वाले बना रहे हैं जॉब के लेकर आजकल। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे पहचाने। पहचानना बहुत ईजी है, बट थोड़ा डिफिकल्ट भी है। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले, कोई भी जॉब आता है तो कैसे मालूम करें Naukri.com पे ये जॉब कंसल्टेंट जो जॉब है या प्राइवेट जॉब है। क्या था कि पहले जो कंसल्टेंसी जॉब 2-3 साल पहले पोस्ट करता था तो अपना खुद का अलग नाम रखता था, जिसके पढ़कर मालूम चलता था कि ये कंसल्टेंसी जॉब है। लेकिन आज के डेट में कंसल्टेंसी नाम चेंज करके ऐसा नाम रखा है कि लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं, उस समय कंपनी वाला ही जॉब है, अप्लाई कर दो, पैसा मांगता है तो लड़के पैसा भी दे देते हैं और बाद में फंस जाते हैं तो कमेंट करते हैं कि ये हो गया, दिस डेट हो गया, क्या करना चाहिए। मैं सोचा कि इस पे वीडियो बनाता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम से आप भी चुतिया ना बने, वो अगर चुतिया बनाए तो। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लड़के को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बना दिया जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को, जैसे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल सोनू शॉप को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या है कि दोस्तों, जो भी जानकारी देता हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड रियल जानकारी देता हूँ, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, ताकि आपके लिए बहुत नॉलेजफुल वीडियो है। देखिए दोस्तों, जॉब कैसे पहचाने कि ये प्राइवेट है जॉब है, जैसे कि कॉरपोरेट जॉब है या कंसल्टेंसी जॉब है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको Naukri.com पे जाना है। अब जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है। देखिए यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन आएगा, तो सर्च बार में आपको क्या करना है कि देखिए, हमने जैसे कि यहाँ लिख देना है, जैसे आप क्या खोज रहे, किस टेक्नोलॉजी पे जॉब खोज रहे हैं, तो मैंने सिंपली यहाँ सर्च करूंगा जावा डेवलपर। देखिए यहाँ पे जावा डेवलपर, सबसे पहले क्या है कि मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ। क्या है कि मैंने ऑलरेडी यूज किया था थोड़ा देर पहले, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिफ्रेश कर दूँ। उसके बाद अच्छे से आपको, देखिए यहाँ पे जॉब सर्च का ऑप्शन आया, तो जॉब सर्च पे जाना है, यहाँ पे लिखना है जावा, सजेस्ट भी कर दिया, आप लोग किसी पे क्लिक कर सकते हैं, जावा डेवलपर बस, और 3-4 चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ सेकंड लाइन पे देखिए क्या है, एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर है, क्या है कि आजकल फ्रेशर के साथ ही बहुत सारा ऐसा धोखेबाजी हो जा रहा है फ्रेशर के साथ ही, तो मैं सोचा कि इस पे फ्रेशर को ही कवर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्रेशर पे क्लिक कर देना है, आपको इंटर लोकेशन, आप किस जगह जॉब सर्च करना चाहते हैं Naukri.com, तो यहाँ सिंपल मैं कहाँ डाल दूँ, चलिए हैदराबाद डाल देता हूँ मैं, हैदराबाद। देखिए नीचे आ गया हैदराबाद, सिकंदराबाद। जैसे कि फर्स्ट में जावा डेवलपर टेक्नोलॉजी का नाम डाल लें, सेकंड में एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर डाल सकते हैं, अगर आपके पास 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो यहाँ वो सब जैसे डाल सकते हैं। सेकंड लास्ट में लोकेशन है, तो किस लोकेशन पे, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, नोएडा या हैदराबाद, चेन्नई, जहाँ भी सर्च कर रहे हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पे साइड में सर्च का बटन दिया है, सर्च पे एक बार क्लिक करना है, ज्यादा नहीं, एक बार क्लिक कीजिएगा तो रिजल्ट फाइंड कर देगा। नीचे देखिएगा कि जॉब तो बहुत सारा है, देखिए यहाँ पे जॉब किस तरह है, नीचे पेजिनेशन दे देकर 1, 2, 3, 4, 5, 10 कहाँ 100 तक जा सकता है। उसके बाद क्या है कि लड़के देखेंगे जॉब, अरे बाप रे, जॉब तो आया है, कंपनी इतना सारा हायरिंग चल रही है, कंपनी पे कंपनी इतना सारा पोस्टिंग कर रही है, जॉब तो हो ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पोस्ट आ रहा है, सारा कंसल्टेंसी है। अब क्या है कि कंसल्टेंसी है तो कैसे पहचाने कि कंसल्टेंसी जॉब। देखिए दोस्तों, बहुत सारा सिंपल है, देखिए बहुत सारा, जैसे कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ नाम दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है कोडिजेंट सोल्यूशन कंसल्टेंट, देखिए ये अपना डाल दिया है 100%। क्या है कि पहले डाल दिया है कि कंसल्टेंस है, तो कोडिजेंट कंसल्टेंस डाल दिया है, तो आपको यहाँ पे जॉब ये कंसल्टेंस जॉब है। आपको यहाँ जैसे नाम देखना है, सेकंड देखिए पहले आपका टेक्नोलॉजी शो करेगा जावा डेवलपर, सेकंड में आपका कंपनी का नाम या कंसल्टेंट्स का नाम शो करेगा, तो एक कॉन्जेंट
हॉरिजेंट कंसल्टेंस है, तो यहाँ कंसल्टेंसी जॉब है, इसको इग्नोर कर देना है। नीचे आइए, देखिए जावा डेवलपर ग्लेन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये भी कंसल्टेंस जॉब है। ये कंसल्टेंस पैसा लेंगे तभी जॉब दिलवाएंगे। देखिए क्या है दोस्तों, क्या ही कंसल्टेंस जॉब क्या है, कितने रुपए लगता है, कैसा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैसे जॉब लगवाता है कंसल्टेंसी, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। आप लोग जाकर कंसल्टेंस जॉब के बारे में ए टू जेड उस वीडियो में बताए, जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों हम आइए थर्ड पे देखिए क्या क्लिक हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये भी कंसल्टेंस जॉब है। नीचे देखिए एक और, देखिए यहाँ पे धोखा हो रहा है बहुत बड़ा। देखिए कोडर्स ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड, यही तो मैं दिखाना चाहता था, यही करके लड़के धोखा खा जाते हैं, यही कंसल्टेंसी वाले। देखिए कंसल्टेंसी वाले नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे, कोडर्स ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड करके प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, लेकिन यह है कंसल्टेंसी, यही पर धोखा करके लड़के से पैसा लूट लिया जाता है। अब इसके अंदर हम देखिए एक और दिखा देते हैं एक दो, उसके बाद उसके अंदर इंटर करेंगे कि अंदर क्या है। नीचे देखिए इंटीजियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए ये 100% कंसल्टेंसी है, टेक्नोलॉजी डाल दिया है, ये सब कंसल्टेंसी है। इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए ये भी कंसल्टेंसी वाला क्या करते हैं ना, दो तीन और जैसे बता देते हैं। यहाँ पे जावा डेवलपर दिस डेट डाल देते हैं, फिर यहाँ पे देखिए लोकेशन में डाल देते हैं, यहाँ पे देखिए एक लोकेशन नहीं डालते, वो बहुत सारा देखिए यहाँ पे देखिए सजेस्ट कर रहे हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलुरु, नोएडा, बहुत सारे क्या है कि लोकेशन डाल देते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी कंपनी निकालेगा ना तो अपना खुद का एक लोकेशन डाल देता है और अपना प्राइवेट लिमिटेड करके एक अच्छा नाम डालता है। यहाँ पे लोकेशन में बहुत सारा लोकेशन डाल दिया जाते हैं, एक कंसल्टेंसी जॉब है। नीचे आइए देखिए, प्राइवेट लिमिटेड डाल दिया है बट ये भी कंसल्टेंसी जॉब है। तो नीचे आइए, हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ कोडर्स ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड एक कंसल्टेंसी जॉब है। अब ये कैसे मालूम करेंगे ये कंसल्टेंसी है, पूरा कंफर्म कैसे करेंगे, तो इसमें क्लिक करेंगे हम, अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद देखिए, इसके अंदर जाने के बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, टेक्नोलॉजी का नाम जावा डेवलपर दिया है, कोडर्स ब्रेन कंपनी का नाम देखिए क्या दिया है, देखिए चला गया। फिर जाएंगे इसके अंदर, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए लोकेशन में क्या दिया है, यहाँ पे लोकेशन देखिए, लोकेशन से आपको मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद, पुणे, चेन्नई, यानी इसका प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत सारा लोकेशन डाल देता है, एन टाइप्स ऑफ लोकेशन डाल देता है, बहुत सारा है। तो आप इससे मालूम कर सकते हैं कंसल्टेंसी जॉब है क्या है कि कंसल्टेंसी आजकल ये प्राइवेट लिमिटेड लिखने लगा है। तो जैसे उसके बाद देखिए क्या है कि देखिए वैकेंसी यहाँ पे एक है, अप्लीकेशन 163 चला गया है, पोस्टेड 20 दिन पहले पोस्ट किया गया है, इस पर हाईलाइटेड दिया गया है स्प्रिंग एमबीसी सब टेक्नोलॉजी का नाम, नीचे गुड जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया है। अब एनी पोस्ट, अब देखिए अबाउट कंपनी, कोडर ब्रेन के जो ग्लोबल लीडर्स इन द आईटी सर्विसेज, ये सब दिस डेट डाल देता है, कॉल करने के बाद वो धोखा हो जाता है। अब तो जैसे कि आप लोगों ने जान गया कि कैसा है, हमने ऑलरेडी दिखा चुका है यहाँ पे देखिए कंसल्टेंसी का क्या है। आजकल क्या है कि सबसे ज्यादा कंसल्टेंसी का जॉब ही आ जा रहा है, जैसे कि Naukri.com पे देखिए, यहाँ पे गैन पैक्ट, LGS ग्रुप, बहुत सारा है, ये सब लोग मालूम कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कंपनी का एक जॉब दिखाना चाहते, कंपनी में देखिए कंपनी कैसे पोस्ट करता है। देखिए कोई भी कंपनी पोस्ट करता है ना, तो एक साइड में इमेज अपना कंपनी का डाल देता है, इमेज जैसे यहाँ पे मिड प्लस एक इमेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे पोजीशन दिया है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मीन्स फ्रेशर्स को हायर कर रहा है एक कंपनी। नीचे कंपनी का नाम देते हैं मिड प्लस हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, क्या है कि कंपनी कभी भी पोस्ट करता है ना तो अपना प्राइवेट लिमिटेड लगा ही देता है, क्योंकि वो कंपनी है, कॉरपोरेट है, तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा। इसके अंदर हम चलते हैं और एनालाइज करते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। इसके अंदर जाने के बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे वैकेंसी कितना है, ओपनिंग एक है इस कंपनी में, ओनली वन। देखिए यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में एनालाइज किया था, तो बहुत सारे यहाँ पे लोग देखिए, पहले देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हायर कर रहा, कंपनी का नाम है मिड प्लस हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोकेशन का बात किया जाए तो देखिए हैदराबाद सिकंदराबाद, यानी कंपनी है तो एक ही लोकेशन डालेगा, एक ही लोकेशन यहाँ पे डाला है, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लोकेशन एक ही डाला है। यही कंसल्टेंसी रहता तो 4-5-10 लोकेशन डाल देता और चुतिया बनाता सबको। जैसे अपनी देखिए ओपनिंग यहाँ पे और दिखा देते हैं, लड़कों को समझता है कि आईटी कंपनी में एकदम हायरिंग चल रहा है जोर से,
हायरिंग देखिए ओपनिंग यहाँ पे एक है, एप्लीकेशन कितना गया है 1946 एप्लीकेशन गए एक पोस्ट के लिए। अब आप लोग ही समझ सकते हैं कि कितना अच्छा वैकेंसी चल रहा है, कितना ज़्यादा पोस्ट है, कितना ज़्यादा हायरिंग चल रहा है। नीचे क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए। नीचे देखिए यहाँ पे दिया है अबाउट कंपनी, द फर्स्ट मिड प्लस फार्मेसी ओपनिंग इन द फरवरी 2003। कंपनी के बारे में देखिए अच्छा से डिस्कस किया है। मिड प्लस एक क्या है, फार्मेसी कंपनी है जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिक्वायर्ड होता है, कोई भी कंपनी होता है तो आजकल सॉफ्टवेयर हर चीज कंप्यूटर बेस्ड हो गया है तो उसका अपना अप्लीकेशन व्यवसाय डेवलप करने के लिए ही मिड प्लस क्या है कि हायर कर रहे हैं। मिड प्लस ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं कि एक मेडिकल कंपनी है, मेडिकल जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अपना अप्लीकेशन व्यवसाय डेवलप करने के लिए हायर कर रहा है। तो हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कंसल्टेंट जॉब क्या है, प्राइवेट जॉब क्या है, कंपनी द्वारा कैसे कॉर्पोरेट जॉब को शेयर किया जाता है नौकरी डॉट कॉम पे, आजकल नौकरी डॉट कॉम पे बहुत सारा फ्रॉड होने लगा है। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने मैंने बहुत मेहनत किया। देखिए यहाँ पे बहुत सारा एनालाइज किया, सर्च किया, उसके बाद अच्छा से एक्सप्लेन किया, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये नॉलेज आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब के लिए जय जय।